Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So firstly, I want to apologize that I wasn't able to upload videos from many times, and the reason is quite obvious, which is I'm going to disclose ki main study kar rahi hu, and for that reason I had to come to Canada, and now I'm in Canada and I followed indirect route. तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इनडायरेक्ट रूट के बारे में बताने वाली हूँ. इससे पहले भी जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइज, अभी से जो मेरी जर्नी होगी दैट वुड इंक्लूड माई कैनेडाज लाइफ, उसमें ब्लॉगिंग होगी, एवरीथिंग, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है चीज़ों को लेके, दैट आई विल शेयर विद यू ऑल. सो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो ये चैनल आपके लिए ही, सो दे कैन लाइक माई दिस यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, येस, आई फॉलोड इनडायरेक्ट रूट विच वॉज यूक्रेन रूट. सो बाई यूक्रेन आई केम हेयर इन टू कैनेडा. तो वो रूट कैसा था एंड वट वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट रूट एंड you know about those people who want to follow the indirect route, whether they should follow or not at this time. So har cheez main aapko jo hai step by step explain karun. Chaliye start karte hain. So first of all, jo mera route tha wo meri journey start hoti thi Delhi se Ukraine, Ukraine se Amsterdam and Amsterdam se Toronto. तो आई बिलोंग फ्रॉम हिमाचल. तो हिमाचल से मेरा सफ़र और भी ज़्यादा लंबा हो गया था बिकॉज फर्स्ट आई हैड टू डू माई RT-PCR टेस्ट. उसके लिए जो है मुझे लुधियाना जाना पड़ा. आई डिड माई टेस्ट देयर एंड गॉट माई रिपोर्ट. और उसके अगले दिन मैंने अपना जर्नी जो है स्टार्ट किया फॉर दिल्ली के लिए. एंड जब मैं वहाँ दिल्ली पहुँची, तो बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइज दैट एक एडवाइस देना चाहूँगी जो भी लोग इनडायरेक्ट रूट फॉलो करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स. कभी भी आप लोगों को अकेले नहीं जाना चाहिए इनडायरेक्ट रूट पे. रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, यू कैन नॉट हैंडल अलोन, बिल्कुल भी आप हैंडल नहीं कर सकते, तो यू शुड बी इन अ ग्रुप. तो आप एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवाइए. दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट ऑप्शन आई मीन आई विल से कि हाँ, पैसे तो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है जाना, लाइक दे कैन नॉट स्टे एट ऑल, तो उनको जो है वो एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवानी चाहिए. खुद अकेले टिकट बुक ना करें. जो लड़के लोग होते हैं, मेल्स होते हैं, दे कैन टेक दैट रिस्क, कोई बात नहीं है, वो फिर भी हैंडल जैसे तैसे कर लेते हैं. लेकिन अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, एंड आई नो कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो बीच में हो सकती हैं, कोई भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो ये थी एजेंट के बारे में कि आपको टिकट बुक करवानी चाहिए, अपने ग्रुप के साथ ही ट्रैवल करना चाहिए. तो जो मेरा एजेंट था जिसके थ्रू मैंने टिकट बुक करवाई थी, वो जो उनका, मैं मतलब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नाम बता दूंगी. तो उनके थ्रू जब टिकट बुक करवाई, सो द बेस्ट थिंग कि उन्होंने जो है सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज की थी, जिसमें कि सारे जो मीटिंग पे सभी वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट थे. उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि you will know who will be traveling with you, तो थोड़ा सा जान पहचान भी हो जाती है, और जो भी आपकी concerns हैं, doubts हैं, वो सारे उस call में clear हो जाते हैं. आपको कितना लगेज लेना है, आपको क्या वहाँ पर immigration पर question answer देने चाहिए, हर चीज़ related, आप कौन सा hotel है और क्या timing है, everything you can clear through that call. So आई मीन आई एम नॉट श्योर कि हर एजेंट ऐसा करता है, लेकिन येस, जो हमारे एजेंट थे उन्होंने वैसे ही किया था. उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से, सॉरी लुधियाना से दिल्ली. तो उसमें मेरे को लग गए थे 4-5 घंटे. तो 4-5 घंटे के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँची, तो आई हैड माई ग्रुप देयर. तो हमने वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ जो है वो कोलेबोरेट किया, और उसके बाद जो है हम अपना लगेज जो था वो सारा वो मतलब वहाँ पे ड्रॉप ऑफ किया. लगेज ड्रॉप ऑफ करने के बाद हम सीधे चले गए इमिग्रेशन काउंटर पे. तो जाते ही पहले आप अपना बैग जो है वो ड्रॉप ऑफ करते हो, उसके बाद सामने ही जाके आपको जो इमिग्रेशन काउंटर होता है, सामने बिल्कुल जहाँ पे हमारा जो लगेज ड्रॉप ऑफ हुआ था उसके सामने. तो जब हमें वहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पर गई, तो माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी, आई मीन दैट गाय वॉज रियली डिसेंट एंड वेरी फ्रेंडली. उसने मेरे से कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कि जिससे कि मुझे थोड़ा सा
थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे या मैं थोड़ी सी रुक जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ही वॉज़ वेरी नाइस गाय. मतलब अब मैं यही यही बोलूँगी कि जो इमिग्रेशन होते हैं वो रियल फैक्ट, रियल ट्रुथ आपसे जानना चाहते हैं. तो अगर आप जेन्युइन तरीके से जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सब ठीक है, तो सो आई डोंट थिंक यू नीड टू बी फेयर अबाउट दैट. आप अच्छे से उन सवालों के जवाब दीजिए एंड पास्ड ऑन कीजिए. तो वहीं पे जो है इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से क्वेश्चन किए कि आप कौन सा रूट फॉलो कर रहे हो, एक्चुअल आपकी डेस्टिनेशन क्या है. एंड देन आई सेड कि आई एम गोइंग टू टोरंटो एंड आई एम फॉलोइंग दिस रूट बिकॉज दिस इज़ अ इनडायरेक्ट रूट दैट इज़ यूक्रेन. सो यूक्रेन मेरा इनडायरेक्ट रूट था और मैं उसके थ्रू ही टोरंटो जा रही थी. तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जस्ट फ्रेंडली तरीके से दो तीन क्वेश्चन पूछे एंड वहाँ पे सब क्लियर हो गया. क्वेश्चन क्या क्या थे इमिग्रेशन के वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सब बताऊंगी. उसके बाद हम चले गए अपनी फ्लाइट्स की तरफ. तो हमारे पास काफ़ी टाइम था. इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद जो भी सिक्योरिटी चेक नॉर्मल होता है वो था, और उसके बाद हमें अपनी फ़्लाइट लेनी थी. तो फ़्लाइट के लिए हमें काफ़ी वेट करना था. हमने वहाँ पे वेट किया एंड मेक श्योर कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, इट्स नॉट अबाउट इंटरनेशनल बट इवन डोमेस्टिक की भी मैं बात करूँ, तो हमेशा अपना गेट नंबर चेक करते रहिए क्योंकि वो कभी भी चेंज हो जाता है. तो हमारा चेंज हो गया था. तो फाइनली हम मतलब वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट वगैरह, तो फ़्लाइट का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था. इट वॉज़ लाइक जैसे इंडिगो की फ़्लाइट होती है. अगर सफ़र आपका 8 से 9 घंटे का है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ़्लाइट सीट होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए. बट जो भी था, क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी. तो फिर हम वहाँ से चले गए यूक्रेन. जब हमने यूक्रेन में लैंड किया तो जैसे ही हमने एंटर किया एयरपोर्ट की तरफ, वैसे ही हमें एकदम से रोक लिया गया वहाँ पे. एंड दैट लेडी सेड कि आपको जो है वो टेस्ट करवाना है. एंड शी वाज सेइंग कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे लॉग इन करो एंड देन स्कैन. प्रॉब्लम इज़ शी वाज सेइंग लाइक स्कैन, जस्ट स्कैन. शी वाजंट सेइंग दैट कि ये साइट है, पहले इस पे लॉग इन करो देन स्कैन करो. तो जा जा के उसे पूछना पड़ा. अच्छा, वो चीज़ वहाँ पे हुई, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए था नेट. यूक्रेन में कोई भी ऐसा मेरे को पैक नहीं मिला जो अच्छे से वहाँ पे काम करता हो या इवन काम करता हो, तो मुझे ऐसा कोई पैक नहीं मिला. और उस वजह से मुझे यूक्रेन जो एयरपोर्ट का नेट था वो यूज़ करना पड़ा. एंड दैट वॉज पथेटिक. यस, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और इतनी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई. लाइक आई वॉज नर्वस लिटिल बिट, नॉट मच, बिकॉज आई नो मेरा भगवान मेरे साथ है. बट प्रॉब्लम तो होती है. तो जैसे तैसे वो चीज़ें हैंडल हो गई, स्कैन किया. उसके बाद जो है हमें उन्होंने बता दिया जी आप एंटीजन अपना टेस्ट करवाइए, वहीं पे डॉक्टर होते हैं, सब वहीं पे होता है, आप वहीं पे टेस्ट हो गया. और हम पहले मैंने सुना था कि वो $45 लेंगे, बट एट दैट टाइम दे आस्ट फॉर $50. तो मुझे लग रहा है कि हर कंट्री जो है, बिकॉज जो इंडियंस हैं उनको जाना उनकी मजबूरी है अभी, तो हर लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं. एंड द पीपल हु आर सेइंग कि इतनी भी इमरजेंसी क्या है अभी जाना, यू कैन वेट, उनको मैं बताना चाहूँगी कि देर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट वेट. उनका स्टडी परमिट ख़त्म हो रहा है, उनको अपनी PR के लिए भी देखना है. देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू सी. तो इसलिए जो है उनको इनडायरेक्ट रूट फॉलो करना पड़ रहा है. कोई नहीं चाहता कि वो इतने पैसे बर्बाद करके जो है वो जाएँ. तो अच्छा, वो सफ़र हमारा वहाँ से फिर आगे की तरफ चलता है इमिग्रेशन के लिए. हमें अपनी रिपोर्ट मिल गई, हम इमिग्रेशन की तरफ चले गए. मेन प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज बैरियर, जो कि आप किसी कंट्री थर्ड कंट्री के थ्रू जाते हो तो आपको फेस करना पड़ता है. और वहाँ पे यूक्रेन में वही हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, और हिंदी तो दूर की बात है, उनको इंग्लिश तक भी नहीं आती थी. तो वो ज़्यादा अपनी लैंग्वेज प्रेफर करते थे. तो आई डोंट नो वो चीज़ कैसे कैसे, मतलब ग्रुप था, ग्रुप के फ्लो में हम चलते गए. और जैसे हमारा इमिग्रेशन था तो वहाँ पे मेरी इमिग्रेशन फिर से अच्छी हो गई. मतलब आई वॉज लकी पर्सन. वहाँ पे एक फॉर्म भरवाना था जो मेरे से उन्होंने नहीं भरवाया. मेरा जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, ही सेड गो एंड जस्ट क्लेम योर बैगेज, दैट्स इट. तो इमिग्रेशन के बाद मैंने अपना बैगेज कलेक्ट किया और उसके बाद हम चले गए होटल की तरफ. तो होटल जो था, एजेंट ने ही सारा उस पैकेज में बुक किया था. मेरा होटल था मर्क्यूरी होटल, और
वहाँ पे हमने स्टे किया, स्टे जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देर विल बी नो बडी यू आर गोइंग टू हेल्प यू लाइक आपके बैगेज उठाए या आपको कोई गाइड करे, गाइड इन द सेंस मतलब ग्रुप में तो आपको पता लग जाता है, बट ऐसा कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा कि बैग उठा उठा के कहीं पे रखे, आपको सब कुछ खुद ही करना है। सो मेक श्योर कि आप लगेज कितना लेके जा रहे हो उसका ध्यान रखें। मेरे लिए स्मूथ था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 लगेज थे, एक मेरा वो कैरी बैग था लाइक लैपटॉप बैग एंड डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे जो मेरे थे वो 2 बैग थे जो कि 18-17 kg के करीब थे, ज़्यादा इतने हैवी नहीं थे तो मैंने इजली कैरी कर लिया, लेकिन जिनके हम भारी थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें जब आप इनडायरेक्ट रूट फॉलो कर रहे हो, तो अगर अपनी जर्नी को स्मूथ बनाना है तो। उसके बाद हम चले गए होटल की तरफ, और होटल में जो है हमारा बफे सिस्टम था, मींस एक चीज़ तो बहुत अच्छी थी कि हमें खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें लंच भी मिला, डिनर भी मिला, पानी की बॉटल सब आराम से मिली, हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो जाते ही बफे सिस्टम था। सो यस बी इंजॉयड देयर, लाइक बहुत सारी ऑप्शन तो आपको नहीं मिलती, आई मीन यू नो फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियन लाइक प्योर वेजिटेरियन जो अंडा तक नहीं खाते उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी वैसी ही हूँ तो। बट मैं ऐसी हूँ कि मेरे को वेजिटेबल्स और सैलेड जूस ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने तो भाई पेट भर के वहाँ पे खाया, आई इंजॉयड अ लॉट देयर। और उसके बाद जो है अभी नींद पूरी करनी थी क्योंकि हम सफ़र में बहुत थक चुके थे, तो मैं मतलब उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हमारा टेस्ट था 12 बजे के करीब, वो था हमारा RT-PCR। हम सुबह सुबह होटल पहुँचे थे, होटल जो था वो दूर था मतलब एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था, हमें 2.5-3 घंटे लग गए थे क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी था। और फिर हमने अपना लंच किया मॉर्निंग का, और उसके बाद 12 के करीब हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ। वो टेस्ट होने के बाद जो है हम एकदम से सो गए, तो लंच भी हमने एकदम से खाया और हम उसके बाद सो गए। सोने के बाद जब हम उठे तो मैं 9 बजे के करीब उठी, मतलब इट वॉज़ लाइक साउंड स्लीप, मतलब कोई नगाड़ा भी बजा देता उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं चलता। तो जब मैं उठी तो मैंने जब खिड़की से देखा तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि 9 बज रहे हैं, और इट वॉज़ लाइक कि अभी मतलब अपने इंडिया के 6-7 बज रहे हो, जैसे 6-7 बजे का टाइम होता है वैसे ही लग रहा था बिल्कुल, जो कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। उसके बाद 11:30 के करीब हमें रिसेप्शन पे जो है वो मूव करना था, लाइक हमें जो है चेकआउट करना था, तो 11:30 के बजे हमने चेकआउट किया। उसके बाद हम एयरपोर्ट पे आ गए, एयरपोर्ट के बाद हमारी 6:45 या 7:45 के करीब जो हमारी फ़्लाइट थी एम्स्टरडेम के लिए, वहाँ से हमने एम्स्टरडेम, वहाँ पे सब कुछ स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो एम्स्टरडेम के लिए हम गए। तो एम्स्टरडेम जैसे हम पहुँचे तो मतलब यूक्रेन से एम्स्टरडेम के लिए हमें लग गए 2 से 2.5 घंटे। सो जब हम वहाँ पे पहुँचे एम्स्टरडेम में, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो अगली फ़्लाइट हमारी टोरंटो के लिए थी, तो उसके लिए हमने 4 घंटे का ले ओवर था एम्स्टरडेम में, लेकिन वो बहुत ही अच्छा मतलब मैं बोलूँगी बिल्कुल रिलैक्स। मैंने बहुत सारी बातें की घर पे क्योंकि काफ़ी इंटरनेट था वहाँ पे, इंटरनेट स्मूथ था वहाँ पे, और लगा ही नहीं कि 4 घंटे हो गए हो वहाँ पे। उसके बाद हम फिर से अपनी फ़्लाइट ली और चल पड़े। वहाँ के बाद एम्स्टरडेम के बाद जो हमें टोरंटो के लिए फ़्लाइट मिली वो बहुत ही अच्छी थी, उसमें सीट्स जो थी वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, और जो एयर होस्टेस थी, अगर मैं मतलब एम्स्टरडेम से टोरंटो के बीच जो फ़्लाइट में एयर होस्टेस थी, इफ़ आई कंपेयर दैट तो वॉज आई आई हैड टू डील विद द इन यूक्रेन फ़्लाइट, सो आई वुड डेफिनेटली से कि मेरा एक यूक्रेन का जो एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो मतलब वहाँ के लोग उसी तरीके से बात करते हैं, हो भी सकता है क्योंकि अपने बात करने का तरीका होता है, बट मेरे को उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल, सो डोंट जज मी। तो उसके बाद जो है वो जब हम एम्स्टरडेम से टोरंटो के बीच मतलब चले गए, फ्लाइट में बैठ गए, तो एक तो कंफर्टेबल थी, हमें अपने हेडफोन, स्क्रीन, एवरीथिंग बी गॉट देयर, कंबल सब मिल गया वहाँ पे। और उसके बाद जो लेडी थी एयर होस्टेस थी उसने बहुत ही टेक केयर किया मेरा, रियली शी वॉज लाइक लाइक अ मदर, लाइक वाई वाई आर यू नॉट ईटिंग दिस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट यू वॉन्ट टू ईट, मतलब उस बंदी ने मेरे को खिला के ही छोड़ा। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, तो ऑप्शन कम होते हैं, एंड शी असिस्टेड मी एट
एवरी मोमेंट, लाइक अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये सही नहीं लगा आप ये कर सकते हो. तो काफ़ी हेल्पफुल थी वो सफ़र बहुत अच्छा था. उसके बाद जब हम टोरंटो पहुँचे तो अब था दिमाग में कि इमिग्रेशन का क्या होगा, बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक इमिग्रेशन इमिग्रेशन में बहुत मुश्किल होता है, ये होगा वो होगा. बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरे पास एक तो सारे डॉक्यूमेंट थे, ऊपर से मैं जो भी कर रही हूँ जेन्यून कर रही हूँ, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है. तो ये सोच के मैं चली गई. वहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपना कस्टम ड्यूटी फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है. वो हमने फिल किया जाते ही, वहाँ पे मशीन होती है उसमें हमने फिल किया. उसके बाद चले गए हम इमिग्रेशन काउंटर पे. तो वहाँ पहले बाहर होते हैं ऑफिसर, उसके बाद मेन इमिग्रेशन वाले अंदर होते हैं. तो बाहर हमने वो अपना वहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन थे दैट आई विल बी यू नो आई विल मेक अनदर वीडियो, उसमें आपको सब बताऊँगी डिटेल में. फिर जो मेन ऑफिसर था मैं उसके पास गई. ही वॉज लुकिंग वेरी रूड बट इंटरनली ही वॉज वेरी ऑसम. तो उसके बाद वो भी क्लियर हुआ. उसके बाद हम चले गए, बिकॉज आई वॉज यू नो आई एम फुली वैक्सीनेटेड पर्सन, तो मुझे ऐसे कोई भी क्वारंटीन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो मैं एग्जेम्प्ट हो गई. और वहाँ से जाने के बाद हमें जो है कोरोना की किट, आई मीन COVID-19 की किट, जिसको अराइवल टेस्ट बोलते हैं, ये अराइवल टेस्ट जो होता है जो होटल में स्टे करते हैं उनको डे 8 पे करना पड़ता है, जो नहीं करते एग्जाम्ड हैं उनको जो है डे 1 पे करना पड़ता है. सो आपको 24 आवर्स के अंदर वो करना होता है जो एग्जेम्प्टेड है. तो हमने वो किट ली. उसके बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन लाइक अपने रूम की तरफ में आ गई. और उसके बाद वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सिम लो जैसे स्टार्ट करो, जो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है. सो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो आई विल गिव यू सजेशन कि इमरजेंसी है, यू कैन नॉट वेट. तो ठीक है, आप इनडायरेक्ट रूट फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी जेन्यून. आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए और आपका जो मोटिव है आने का वो जेन्यून होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके बाद. लेकिन अगर अगर ऐसा है कि आपको इमरजेंसी नहीं है, अभी आप अपनी होम कंट्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हो, तो आई थिंक आपको रोकना चाहिए एटलीस्ट सेप्टेम्बर तक, बिकॉज वी हैव हर्ड कि सेप्टेम्बर में दे आर गोइंग टू ओपन. सो मे बी जस्ट बी पॉजिटिव, हो सकता है वो ओपन कर दें, तो आप अपनी होम कंट्री से अटेंड कर सकते हो. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ पढ़ा हो कहीं से या कुछ हो, दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो कैनेडा की बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी. Till then, bye-bye and take care.